तो लोकसभा चुनाव के अंतिम चरणों में है। देश में 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, बाकी बचे 2 चरणों के लिए प्रदेश के दिग्गज नेता कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भूपेश बघेल प्रदेश के अन्य नेताओं के साथ भोपाल रवाना हुए। भोपाल रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भोपाल से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह की जीत निश्चित है। वहीं भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर निशाना साधते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर आपराधिक प्रवृत्ति की महिला हैं और छत्तीसगढ़ की जनता उनके चरित्र के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, इसलिए उन्होंने प्रज्ञा ठाकुर को उतारा। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो बिलाईगढ़ के लोग बेहतर जानते हैं कि वो अपराधी प्रवृत्ति की महिला रही है, झगड़ालू प्रवृत्ति रही है। इस बात को भोपाल के लोग भी जान चुके हैं। मैं नहीं समझता कि वहाँ माहौल जरूर बना रहे हैं, लेकिन अंततः जीत दिग्विजय सिंह जी की भारी बहुमत से होगी। कहाँ कहाँ जाने का है? राजगढ़ भी है और बहुत सारी जगहों में वहाँ कार्यक्रम रखा गया है। कल दिन भर 3 कार्यक्रम हैं और उसके बाद फिर अगला कार्यक्रम।